टू माय चैनल। उम्मीद है सब हैरियत से होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए। आज हम ईद की स्पेशल रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो कि है गुलाब जामुन की रेसिपी। गुलाब जामुन के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो आपके सामने हैं। चले देखते हैं क्या क्या हमें चाहिए। हमें चाहिए खुश्क दूध, आप ले लीजिए 2 कप खुश्क दूध। उसके साथ आप ले लीजिए दूध 1/2 कप। देन हमारे पास आ जाता है मैदा, मैदा आप ले लीजिए 1 कप। देन हमारे पास आ जाता है इलायची, आ जाती है हमारे पास इलायची के बीज, आप ले लेंगे 1 टीस्पून। देन हमारे पास है बेकिंग पाउडर, ये हमारे पास है 10 से 12 इलायचियाँ, ये हम सिरप में यूज़ करेंगे जो हम इसके लिए चास बनाएंगे। इसके बाद बादाम है हमारे पास, ये हमारे पास गार्निश के लिए, हम इससे गार्निश करेंगे एट द एंड। फिर हमारे पास आ जाता है घी, घी हम लेंगे 6 टेबलस्पून के बराबर। देन आप देख सकते हैं हमारे पास है शुगर, शुगर आप ले लेंगे 1.5 कप। जितनी आप शुगर लेंगे उसके डबल आप लेंगे पानी अपने सिरप के लिए। तो चले पहले सबसे पहले हम डो बनाएंगे अपने गुलाब जामुन के लिए। तो चले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले लिया है दूध, इसमें जाएगा मैदा 1 कप, ये हमने इसमें डाल दिया। देन हम इसमें डालेंगे घी, 6 टेबलस्पून के बराबर जाएगा हमारे पास। इसके अलावा घी बाकी हमें और भी ज़रूरत पड़ेगा फ्राई करने के लिए। तो ये चला गया इसमें घी। देन हम इसमें डालेंगे इलायची के बीज। देन हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। देन इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये गैस में बेकिंग पाउडर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स देखिए ये इस तरह से हो जाएगा मिक्स होने के बाद। देन हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क, ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा मिल्क ऐड कर लिया है और मैं इसको इस तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। थोड़ा सा इसको मैं गूंदूंगी तो हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये अब मैंने तैयार कर लिया है, इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी, 10 से 15 मिनट के लिए। और तब तक हम बनाएंगे शुगर सिरप, या फिर हम उसको चास भी कह सकते हैं, वो हम बनाएंगे। तो चलें व्यूअर्स, इसको एक लेट से ढक लीजिए और इसको कर दीजिए फ्रिज में। तो फिर हम जाते हैं चास बनाने। तो व्यूअर्स हमने ले लिया है 1 सॉस पैन में पानी और उसके बाद हम उसमें डालने जा रहे हैं चीनी। ये हमने 4 कप पानी लिया तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप चीनी। जितने हम चीनी लेंगे उसके डबल हम पानी लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं इलायची, इलायची डाल दी मैंने इसमें। और आप इसमें ऐड कर सकते हैं एक चीज़ जिससे आप इसके टेस्ट को इन्हांस कर सकते हैं, वो है केवड़ा। हम इसमें 1/2 टीस्पून केवड़ा डाल रहे हैं। अब हम इसको पकाएंगे ताकि ये ठीक हो जाए और मैं आपको साथ साथ बताऊंगी इसको कितना पकाना है। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं चीनी बिल्कुल डिसॉल्व हो चुकी है और ये पहले से थिक भी हो चुका है पानी। इस तरह से इसको मज़ीद थोड़ी देर और हम पकाएंगे और देन हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर हम बनाएंगे अपने गुलाब जामुन। तो व्यूअर्स ये बस मैं बंद करने लगी हूँ, फिर चलते हैं हम अपने गुलाब जामुन की तरफ। तो व्यूअर्स अब हम बनाने जा रहे हैं बॉल्स गुलाब जामुन। तो ये आप ले लीजिए हाथ में और आप इसमें पानी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि चिपचिपा होता है, तो इसलिए आप पानी यूज़ कर सकते हैं ताकि चिपके नहीं। ध्यान रहे कि इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, स्मूथ सा बॉल हो। तो व्यूअर्स ये देखिए इस तरह से करके ये बॉल बन चुका है। कोशिश कीजिए कि सबका साइज एक जैसा हो। इस तरह से करते हुए इसको सही से गोल कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब हमने ये बॉल्स बना लिए हैं, गुलाब जामुन की शेप दे दी है इनको। अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो चलें इनको फ्राई करते हैं।
तो व्यूवर्स अब मैं ले रही हूँ ऑयल, गरम करूँगी इसको मैं, फिर हम इसमें फ्राई करेंगे। अब ये गल जाए, पिघल जाए सारा। तो व्यूवर्स ये घी गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ। हम हल्की आंच पे इसको बनाएंगे, मीडियम आंच रखिए और मीडियम आंच पे फ्राई कीजिए, गोल्डन सा कलर आ जाए। ये आप देख सकते हैं मैंने डाल ली है इसमें, अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ हल्की आंच पे। तो व्यूवर्स इनको आप इस तरह ऑयल इन पे डालते रहिए और साथ साथ आराम से बिल्कुल इनको आप पलटते रहेंगे ताकि ये सारी तरफ से पक जाए। देखिए अब ये नीचे वाली साइड से पक रहे हैं, तो बिल्कुल हल्की आंच हम रखेंगे और इनको हम पकाएंगे सारी साइड से और ब्राउन करेंगे। तो व्यूवर्स ये आप देख सकते हैं आपके ये ब्राउन हो चुके हैं, बस अब इनको मैं निकालने लगी हूँ। ये अच्छी तरह से मैं इनको हिलाती रही हूँ, हर साइड से मोड़ती रही हूँ, इन पर ऑयल ऐसे डालती रही हूँ। तो अब ये मेरे पास गोल्डन हो गए, तो अब मैं इनको निकालने जा रही हूँ। तो नहायत ही आराम से इनको हम निकाल लेंगे ऐसे और हम इनको एक प्लेट में डाल देंगे। तो व्यूवर्स ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से बन गए हैं, अब हम इनको चास में डालेंगे। तो व्यूवर्स अब हम इसको गरम चाशनी में डाल रहे हैं, एक एक करके नहायत एहतियात से डालिए ताकि टूटे नहीं। ये देखिए व्यूवर्स अब हमने इसे इसमें डाल दिए हैं, 30 मिनट्स के लिए हम इनको इसी में रहने देंगे और 30 मिनट्स के बाद ये तैयार हो जाएंगे। तो व्यूवर्स ये हो गए हैं गुलाब जामुन तैयार, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।